अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अहसन और आज मैं एक ऐसे क्लब में मौजूद हूं जो गुजरांवाला में आपको बड़ा देसी से किस्म का क्लब नज़र आ रहा होगा। जब भी अमूमन हम सोचेंगे क्लब कैसा होता तो बड़ा एक फैंसी सी एक माइंड में चीज़ आती है का बड़ा खूबसूरत बड़ा जदीद किस्म का होगा, लेकिन जो आपको क्लब ये नज़र आ रहा है बड़ा सादा और देसी है, लेकिन इसके साथ इसके पल्ले में बड़े ही गोल्ड मेडल्स हैं। और कौन कौन से गोल्ड मेडल कौन सी अचीवमेंट लिए हैं वो ज़रा पूछते हैं। बरसात, अस्सलाम वालेकुम बरसात, क्या हाल है? ठीक है। आप सबसे पहले बताइएगा, क्लब बड़ा देसी सा है, सादा सा है, इतने ज़्यादा गोल्ड मेडल माशाल्लाह। ये 1975 में जो ना ये हमारे उस्ताद चौधरी मोहम्मद मीर साहब की ने जो ना क्लब डाली थी, ये वाली पहले हमारी जिना स्टेडियम में होती थी क्लब, और उसके बाद 2004 में मैंने ये क्लब जो ना मैंने हैंड ओवर की उनसे। ये सबसे पहले तो आपको ये बताऊँगा, 100 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल प्लेयर इस क्लब से निकले हैं। अच्छा। इस क्लब से अल्हम्दुलिल्लाह, और नू के वाले साहब से लेकर नू भी जो है ना माशाल्लाह इधर भी ट्रेनिंग करके गया हुआ है, तो इतने ज़्यादा माशाल्लाह गोल्ड मेडल है हमारे कि पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी ये क्लब जो है ना माशाल्लाह ये जो ना मुझे नजर नहीं, क्या ये प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट की तरफ से मुझे क्लब जरूर मिला पर ये प्राइवेट है। ये सारा जितना भी जो खर्चा लगाया हुआ है जो ये सब मैंने अपने अपने जो ना जेब खर्च से लगाया हुआ है। ये फंड जो है ना मैं अपने पास ही देता हूँ और अपनी खुशी से देता हूँ, और फीस भी लेला मैं गेम कराता हूँ इनको, मैं मुझे किसी की तरफ से कोई फंड नहीं आता, क्योंकि मैं खुद इंटरनेशनल प्लेयर रहा हूँ और मैंने ऐसी जो ना मुश्किलात मैंने देखी हुई हैं। अगर इनके पास वेट नहीं है, प्लेटें नहीं है, या इनके पास सहूलत नहीं है, ये प्लेयर नहीं बन सकते, मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी लोहे के वेट से उठा के मैंने जो ना अपना आगाज़ किया था तो मैं प्लेयर बना था। इनको अगर मैं वेट नहीं देता, ये एक राड की कीमत जो है ना, ये एक राड की कीमत 3.5 लाख रुपया है। अच्छा। ये लीको का राड है, अगर इनको ये ना मिलेगा, ये देसी वेट है ये, अगर इनको लीको का वेट मिल जाए तो ये तो दुनिया में बहुत ज़्यादा नाम कमा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये लड़कियाँ ये देखें, ये लड़कियों के लिए 15 kg का राड होता है जी जी, ये 20 kg के राड के साथ ये ट्रेनिंग कर रही हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल में जो है ना 15 kg का राड होता है, हमारे पास ये 20 kg का है, ये 15 kg का राड हमारे पास नहीं है। अगर इनके पास ये सूटें थोड़ी सी मौजूद होगी तो ये एशियन के रिकॉर्ड भी करके अल्हम्दुलिल्लाह आएंगी। जो सर एक सवाल मेरा ये था कि जो इधर बच्चे आते हैं उनसे कोई पैसे वगैरह फीस वगैरह ली जाती है? कोई चीज नहीं ली जाती, ये सब मैं अपने जो ना अपने अल्हम्दुलिल्लाह जेब खर्च करता हूँ, और ये सब माशाल्लाह बच्चे स्टूडेंट हैं और फ्री तालीम हासिल कर रहे हैं, कोई रेलवे का है, कोई वापडा का है, कोई आर्मी का है। माशाल्लाह मेरी कोशिश होती है कि इनको जल्द से जल्द किसी नौकरी के ऊपर जो ना इनको लगाया जाए और ये अपने जेब खर्च में जो ना अपने खा पी के जो ना ये अल्हम्दुलिल्लाह जो ना ट्रेनिंग करेंगे। जब जीत के आते हैं इनको मैंने एक तोहफा रखा होता है कि इनको इंटरनेशनल बूट में जो ना प्रोवाइड करता हूँ, ये वाले ये सारे इतने महंगे बूट हैं, ये 50,000 रुपये का जो ना शूज़ होता है, ये या मेरी तरफ से इनको तोहफा होता है। अगर वो जीत के आए हैं इनको बंद लिफाफे में जो ना नकद इनामात भी मिलते हैं। मैं ये नहीं बता सकता कितने होते हैं, पर उतने होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे, मैंने वो मुश्किल देखी हुई है पर वो बच्चे खुश हो जाते हैं माशाल्लाह जी। जी हमारी इंतजामिया से भी अपील है कि गुजरांवाला कि जहाँ पर इतने हर गोल्ड मेडल जीत कर आया है, इतने इन्होंने स्पोर्ट्स को आगे लेकर गए हैं, वहाँ के जो हालात क्लब के हैं वो आपके सामने हैं। इंतजामिया से गुजारिश है कि माफ खुदारा इन चीज़ों पर भी तवज्जो दें, और गुजरांवाला बहुत पोटेंशियल रखता है, आपको बड़े गोल्ड मेडल ला के दे सकता है। मुलाकात होगी एक और।